हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्षेत्रमिति है। इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयत हुआ, वर हुआ, घन, घनाभ, गोला, इस सब का क्या होता है। दो चीज, दो तीन चीज़ पूछा जाता है। परिमाप पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है, उनका विकर्ण पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रमिति में किस टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति में हमें दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक 2D फॉर्म बनता है, एक 2D फॉर्म, एक 3D फॉर्म। 2D मतलब दो डायमेंशन इसकी रहती है और 3D में क्या, उसकी तीन डायमेंशन रहता है। 2D किसका रहता है? एक तो आयत का, टू आयत में 2D होता है और वर्ग होता है, वृत्त होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये सब 2D के अंतर्गत आते हैं। और 3D में अपना क्या आता है? 3D में घन आता है, घनाभ आता है, गोला आता है, शंकु आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 2D में जैसे आयत में देखिए, 2D का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। जैसे एक आयत दो, एक पेज पर ही दो ही डायरेक्शन रहेगा, एक पेज पर उसे दर्शाया जा सकता है। इसको वृत्त, वर्ग को भी देखिए, वर्ग को भी देखिए, एक इसमें कर दिया गया। इसको आयत बढ़िया से कर देते हैं। आपको आयत देखिए, ये है, ये एक आयत है, ये एक वर्ग है, ये एक वृत्त है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और चतुर्भुज भी इसी में आता है, समांतर चतुर्भुज। और घन, घन घनाभ में थ्री डायमेंशन आते हैं। ऐसे करके थ्री डायमेंशन जो होता है वो घन घनाभ, ऐसे गोला, गोला में भी जैसे एक गेंद होता है, गेंद हो गया, शंकु अपना जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी थ्री डायमेंशन में आता है। तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम पहले फार्मूला देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2D में पहला था आयत। आयत क्या होता है? आयत में ये दो भुजाएं पैरेलल होती हैं और ये कोण 90 पर होती हैं। ये एक आयत है। इसमें क्या हुआ, दो भुजाएं, ये तो पूरी मतलब इसके पैरेलल ही रहेंगी, ये आपस में पैरेलल ही, और ये कोण 90 पर होता है। अगर मान लेते हैं इसकी एक भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है, तो अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है। पहला इसका परिमाप पूछा जाता है। इसका परिमाप क्या होगा और इसका परिमाप को हम एस दिखाते हैं, और इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है और इसका विकर्ण पूछा जाता है। एग्जाम में विकर्ण इसे बोलते हैं जब इस शीर्ष से इसको मिलाते हैं। इसको डी से दिखाते हैं तो ये विकर्ण हो जाता है। इसका क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, विकर्ण को डी से दिखाते हैं। तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है। अगर परिमाप निकालेंगे, परिमाप का मतलब क्या होता है? देखिए परिमाप का मतलब होता है, आपने अगर इस बिंदु से चल के अगर वापस उसी बिंदु पर आ गए तो चली गई दूरी, वही परिमाप होता है। मतलब देखिए ये परि और माप, मतलब हमने मापा है, और इस परि मतलब होता है परिक्रमा करना, चक्कर लगा के। अगर हम इस बिंदु से चल के इस बिंदु तक वापस आते हैं तो कितनी दूरी चला है, तो इसी को हम परिमाप बोलते हैं। देखिए परिमाप, हमने यहां से कितना दूरी चला, ए चला, फिर बी चला, तो ए प्लस बी दूरी तो चला। अब इसके बाद देखिए ए से बी तक तो यहां गए, फिर ये पैरेलल हमने बताया, ये भुजाएं पैरेलल है, तो ये भी भुजा क्या होगी, ए ये है तो ये भी ए ही होगा, और ये बी है तो ये क्या होगा, ये भी बी होगा। तो अब देखिए ए बी, फिर एक बार ए बी है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, दो बार ए बी होने की वजह से 2AB बन जाता है, 2 फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या आएगा, क्षेत्रफल में क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। एक भुजा और दूसरी भुजा को आपस में जब गुणा कर देंगे ए इंटू बी, तो ये इसका क्षेत्रफल बन जाता है। और देखिए विकर्ण क्या होता है, अभी हम इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे छोटे छोटे। फिर ये देखिए विकर्ण होता है, ये विकर्ण डी है, ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक कौन सा चतुर्भुज है, समकोण चतुर्भुज है। अब समकोण चतुर्भुज का आप जानते होंगे पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है, कि अगर कर्ण निकालना हो तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए ये आधार है, ये लंब है, तो इस तरह से अपना ये विकर्ण निकल जाएगा।
अब देखिए इस पर जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर हमें दे देगा क्वेश्चन, इसकी कह देगा कि एक भुजा दिया हुआ है 5 दिया है जैसे मान लीजिए, और दूसरी भुजा अगर दिया है बी दे रखा है 6, तो अब इसका पूछेगा कि परिमाप क्या होगा। तो अब इसको इस परिमाप को फार्मूला रखिए, देखिए क्या आएगा इसका, अगर यहां रखेंगे 5 रखेंगे और यहां रखेंगे 6 रखेंगे, तो क्या आ रहा है आंसर, 5 6 11, 11 2 22 आ रहा है। अगर इसको हम परिमाप निकालते हैं तो s इक्वल टू 2 into a + b, 2 के a के स्थान पर क्या रखेंगे 5, b के स्थान पर क्या रखेंगे 6, ये हो जाएगा 6 5 11 into 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस तरह से परिमाप का फार्मूला छोटे छोटे आते हैं, इसका एक दिया रहेगा और दूसरी भुजा दी रहेगी, पहली भुजा एक भुजा दी है, दूसरी भुजा दी है, परिमाप निकालना है। और इसका क्षेत्रफल आप बताइए कितना होगा, अगर क्षेत्रफल निकालना है फार्मूला क्या होता है, a into b बताए थे, तो a के स्थान पर क्या है 5 है, b के स्थान पर क्या है 6 है, कितना आ गया 30। अब ये देखिए इसका a, अगर ये मीटर में दे रखा है 6 मीटर देता है, ये 5 मीटर देता है, तो ये तो मीटर में हो जाएगा, पर ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि मीटर मीटर का गुणा हुआ है, 1 मीटर यहाँ 1 मीटर यहाँ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर सेमी में दिया रहेगा तो सेमी स्क्वायर होगा, तो ये तो। और इसका विकर्ण अगर निकालना हो तो क्या होगा, अगर विकर्ण निकालने के लिए डी जो हो जाएगा √a² + b² तो a के स्थान पर क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर, इसका 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 5 11 3 2 5 1 6 √61 जो है इसका विकर्ण आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ये आयत पर, आप आयत के क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं वर्ग पर चलता हूं, देखिए आयत और वर्ग में अंतर यही होता है, ये तो पैरेलल है, इसमें से चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ये है चाहे ये है, ये आपस में बराबर होती है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ए भी होगा। और आयत और वर्ग में समानता क्या है, समानता ये है कि ये देखिए इसमें भी 90 डिग्री पर ये है, ये भी 90 डिग्री पर है, और आयत में भी था, और ये भुजाएं पैरेलल उसमें भी थी और इसमें भी पैरेलल है, तो इसमें भी पूछा जाता है परिमाप, पूछा जाता है क्षेत्रफल, पूछा जाता है विकर्ण, पूछा जाता है। तो अब देखिए इसका परिमाप हमने बोला था कि चली हुई दूरी है, मतलब हम यहां से अगर चलते हैं तो कितना ए यहां चले, फिर यहां तक आए 2a हो गया, यहां तक आए 3a हो गया, यहां तक आ गए तो 4a हो गया, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने बोला था कि एक भुजा और दूसरी भुजा को लेते हैं इनका गुणा कर लेते हैं, तो a * a क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो आप तो सीधे डायरेक्ट a स्क्वायर लिख दीजिए यहां पर, a स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसका विकर्ण निकालना है तो क्या होगा, तो हमने उसमें बताया था कि ये देखिए कौन सा कोण बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो इसका d निकालना है, तो इसमें भी क्या होगा लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2a² और फिर ये तो बाहर निकल जाएगा √2 नीचे हो जाएगा, तो ये इसका क्या होता है डायगोनल ये होता है। अब डायरेक्ट इस पर फार्मूला रखेंगे ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया है, इसमें भी अगर 5 और 6 दे रखा है, 5 और 6 तो नहीं रहेगा, देखिए इसमें 6 क्यों नहीं रहेगा, 6 क्योंकि इसका हमने बोला कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें भी बी का मान कहिए भी 5 ही होगा, पर जब 5 है तो बी क्यों बोलना, जब चारों भुजा बराबर ही है तो हम ए ही रख लेते हैं, जब ए रखेंगे तो इसका क्या बनता है फार्मूला, देखिए यहां पर ए रखेंगे, मैं फार्मूला निकालना भी सिखा रहा हूं, ए रखेंगे तो 2a हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा, देखिए हमने परिमाप का फार्मूला क्या लिखा है कि 4a होता है, तो मतलब एक स्थान पर ऐसे रखे तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं आपको, तो इसका परिमाप क्या हो गया 4a हो गया, तो कितना आया 5 × 4 × 5, इसका परिमाप कितना आ गया 20 मीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा
देखिए यहाँ क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू करके तो ए स्क्वायर, तो 5 × 5 यहाँ 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान देंगे, यहाँ मीटर आएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये दो बार मीटर मीटर का गुणा हुआ है और यहाँ पर एक ही मीटर है, ए में ही मीटर था, तो ये देखेंगे। फिर आप देखिए इसका विकर्ण क्या जाएगा, इसका विकर्ण का फॉर्मूला, अगर विकर्ण का फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाते हैं तो आयत का याद रहेगा, समकोण चतुर्भुज, समकोण जो त्रिभुज है उसका याद रहा कि ये है, तो आप डायरेक्ट अगर ये भूल भी जाते हैं तो आप डायरेक्ट यहां पर रख दीजिए मान ए स्क्वायर, फिर यहां भी ए ही है क्योंकि बी के स्थान पर क्या था ए है, तो यहां भी ए स्क्वायर रख दीजिए जब अगर भूलते हैं तब के लिए। फिर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, फिर ए बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया फार्मूला। देखिए हमने फार्मूला यही बताया था, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अगर भूले हैं तो फिर यहाँ ए के स्थान पर क्या मान दिया हुआ है, ए के स्थान पर 5 दिया है, तो अंडर रूट 2 करके ये आपका आ जाएगा, इसका डायगोनल आ जाएगा। यही एग्जाम में पूछा जाता है, ये तीनों चीज, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, डायगोनल्स हो गया, अलग अलग डाटा दिए रहेंगे, आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं समांतर चतुर्भुज की तरफ। समांतर चतुर्भुज में भी हमारा अक्सर क्षेत्रफल पूछा जाता है क्योंकि परिमाप में भुजाएं जोड़ी जाती हैं। अब समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, इसकी दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, ये जैसे है पैरेलल और ये भुजा पैरेलल है, और ये आपस में ये पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, ये समांतर चतुर्भुज। अगर इसकी भुजा को ए को मानते हैं ए, दूसरे को मानते हैं बी, तो और इस ये हो गया, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों भुजा आपस में पैरेलल है, ये भुजा इसके पैरेलल है, ये भुजा इसके पैरेलल है। अभी हम पैरेलल का रूल जब अभी कभी और बताएंगे कि पैरेलल का रूल में क्या होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो ये सब हम आपको आगे बताएंगे, पहले अभी हम मेन सिलेबस में देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल अक्सर देखिए परिमाप अगर पूछता है, परिमाप को हम लोग ए से दिखा रहे थे, इसका परिमाप लिखा देते हैं, तो परिमाप को हम लोग ए से लिख रहे थे, एस क्या हो गया, अब देखिए परिमाप निकालना तो ए इंटू बी, ए प्लस बी कर लेंगे, फिर वही जो आयत का था वही मेन आएगा, देखिए ए प्लस बी, फिर इधर भी ए प्लस बी, ये परिमाप हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसके देखिए क्षेत्रफल के लिए ये अगर परपेंडिकुलर होता तो हम गुणा कर सकते थे, अगर आयत में क्या था परपेंडिकुलर था तो ए इंटू बी कर लेते थे, ये समांतर है एंगल पर काट रहा है, इसलिए हम इसके फार्मूले के लिए यहां से हाइट ले लेते हैं, ये अगर दिया रहता है क्वेश्चन में ये हाइट दे देगा, और ये मान लीजिए हाइट हो गया, तो इसका फार्मूला जो बनता है बेस इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार हो गया ए और ऊंचाई एच हो गया, ऊपर से अगर लंब डाल देंगे इस भुजा पर तो ये ऊंचाई हो गया, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इससे तो बहुत नाक के बराबर से आता भी नहीं है, पर इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी भी जैसे आपका कोई दिया रहा। अब हम एक नॉर्मल एग्जांपल ही देख लेते हैं कि ए के स्थान पर दे दिया 3 दे दिया, और बी के स्थान पर भी कुछ दे दिया है 2 दे दिया है, और यहाँ 4 दे दिया है एच के स्थान पर, तो अब पूछ देगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका नॉर्मल सा क्षेत्रफल का फार्मूला है ए इंटू एच, तो ए के स्थान पर 3 और एच के स्थान पर 4, कितना हो गया 3 × 12, यही स्क्वायर में हो जाएगा, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये मीटर में दे रखा है, इसे मीटर में अगर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र, यही मेन फार्मूला है समांतर चतुर्भुज के, इसी से पूछता है। अब हम लोग देखते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज कैसा होता है, सम चतुर्भुज में बस ये भुजा समांतर तो रहेगी और ये भी समांतर रहेगी, पर चारों भुजाएं बराबर रहेंगी। देखिए हम दिखाना कैसे रहेगी, इसे फिर से मिटा देते हैं। एक बर्फी देखे होंगे ना जो मिठाई की दुकान में मिलती है, तो वैसे ही एक बर्फी है, ये देखिए अपनी बर्फी है, ऐसे ही होता है। तो पूरा देखिए ये भी भुजा, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा भी इसके समांतर है, जैसे उसमें था समांतर चतुर्भुज में था, पर इसमें क्या है, इसमें चारों भुजाएं बराबर है, अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। तो अब ऐसे इसके लिए अगर हम परिमाप निकालें तो यहां परिमाप क्या हो जाएगा, आप चारों को जोड़ दीजिए जैसे सब में जोड़ते आए हैं, इस यहां से चले ए ए ए ए, कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा।
और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अलग फार्मूला बनता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अक्सर एग्जाम में डायगोनल दिया जाता है, ए भी दिया जाता है, तो ए से हम बताएंगे कैसे निकालते हैं, पर आप ए से नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए एक डायगोनल दिया जाता है। ये देखिए एक विकर्ण अगर मानते हैं, इसको मान लेते हैं डी वन विकर्ण है, इसको क्या मान लेते हैं डी टू है, तो एग्जाम में दिया रहता है कि इसका विकर्ण ए अगर पांच है, ये सात है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला देखिए, इसका हो जाता है एक बटे दो डी वन पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यही इसका फार्मूला बनता है। जैसे अभी अगर दिया रहे, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा कि एक सम चतुर्भुज की एक विकर्ण अगर 10 सेंटीमीटर है, अगर दे दिया D1 दे दिया है 10 सेंटीमीटर है, और D2 दे दिया है दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा फार्मूला क्या है, एक बटे दो डी वन इंटू डी टू। अब डी वन के स्थान पर क्या माने, एक बटे दो लिख लीजिए, डी वन के स्थान पर 10, डी टू के स्थान पर 6, कितना हो गया, इसको अगर काट दीजिए ये 3 हो गया, 10 10 30। यूनिट क्या होगा, देखिए सेमी इंटू सेमी दो बार हुआ है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर होगा। अब अगर हमें डायगोनल न दिया हो, हमें सिर्फ भुजाएं दी हैं और कोई डायगोनल दिया है, तो कैसे इसमें रिलेशन एक होता है, उसके लिए एक अलग फार्मूला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो इसको लिखूंगा अभी, इसको तो आप अच्छे से याद ही कर लीजिए, बहुत बच्चे भूल भी जाते हैं। रिलेशन है 4a² d1 square plus d2 square, इसको अच्छे से नोट करिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में हुआ, SSC में हुआ, बहुत सारे एग्जामों में इस रिलेशन, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, इस पर पूछता रहता है कि इस पर क्वेश्चन दे देगा कि जैसे ये बोलेगा एक भुजा मतलब इसकी एक भुजा कितना है, इस भुजा का मान दे दिया, जैसे इस भुजा का मान दे दिया है 5, और कह दिया इसका विकर्ण दे रखा है, देखिए इसमें विकर्ण कितना दिया है 10 है, और दूसरा विकर्ण कोई ऐसे ही दे देता है 5 है या 2 रख लीजिए, तो फिर इसमें जो संबंध बनता है, ये तो मैंने ऐसे रख दिया इसलिए बराबर नहीं आएगा, पर एग्जाम में दिया रहता है, तो उसमें क्या करेगा, दूसरा विकर्ण ये देगा ही नहीं, एक डायगोनल नहीं देता है, पूछेगा दूसरे डायगोनल का मान बताइए, और दूसरे डायगोनल भी नहीं पूछता है, अक्सर क्षेत्रफल पूछता है। तो देखिए अगर हमें दिया है कि अगर पूछा है, जैसे मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इन दोनों को मिटा दे रहा हूं आपको, अगर हमें दे रखा है और हमसे क्षेत्रफल ए पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे इससे, तो देखिए इस हमें दिया है कि एक भुजा का मान, क्वेश्चन देखिए फिर से, एक भुजा का मान 5 है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला तो हम यही जानते हैं, एक बटे दो डी वन इंटू डी टू, तो हमें तो एक विकर्ण तो दे रखा है, दूसरा विकर्ण तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे दूसरे विकर्ण को, तो दूसरे विकर्ण निकालने के लिए ये फार्मूला बनता है, और अक्सर इस फार्मूले से क्वेश्चन आने ही रहते हैं एग्जाम में, जब टफ बनाता है तो इस फार्मूले पर रहता ही है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर ये दे दिया 4, ए का मान क्या दिया है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक विकर्ण कितना दिया है 10 स्क्वायर प्लस डी टू दे रखा है ये, तो ये कितना हो गया 25 चौके 100 और 10 दहा ये भी 100 हो गया प्लस डी टू, इसमें देखिए हमारा कट गया है, D2 का मान 0 आ जा रहा है, पर D2 का मान 0 नहीं आया, उसमें कुछ वैल्यू आती है, तो इसलिए हम इसको रख लेते हैं 7 रख लेते हैं। अब देखिए क्या आता है, क्योंकि 0 तो होता नहीं है, हम अपने से लिए डाटा इसलिए आ गया है 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 हो जाएगा। अब इससे देखिए इधर लाएंगे, ये D2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब D2 का स्क्वायर इधर इधर में 100 में से 49 जब घटाएंगे, तो ये देखिए 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 4 गया 5, क्या ये D2 का ए हो गया, इसको भी मिटा देते हैं। तो D2 का मान कितना गया, D2 का मान आ गया √51। अब क्षेत्रफल आप कैसे यहां से निकाल सकते हैं, ये क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया, और यहां पर रखेंगे 1/2, D1 का मान कितना दिया है 7 दिया है, और D2 का मान √51 आया है, अब फिर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है। तो ये हो गया एक समांतर समचतुर्भुज का। अगर समांतर चतुर्भुज के, ये देखिए फार्मूला वहां भी समांतर चतुर्भुज में भी बन जाता है, उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें देखिए अगर समांतर ये होता तो ये भुजा यहां तक जाती और ये फिर यहां तक आता, अगर ये ए था तो ये बी होता, तो आपके लिए देखिए आप यहीं से उस फार्मूले को निकालिए,
इधर का तो मान समान रहेगा, इधर का मान भी देखिए डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, तो दो बिकर इसमें भी एक बिकर ये, उस केस में बिकर एक बिकर ये बन जाते और दूसरा बिकर ये बन जाता, तो इस बिकर का मान डी वन होता और इस बिकर का मान डी टू होता उस केस में। तो अब देखिए ये दोनों तो इसमें भी बिकर है तो ये बिकर रहेंगे ही, मतलब ये आप फार्मूला याद करिए सीधे सीधे कि ये बिकर और ये बिकर दोनों में है तो ये तो रहेगा ही। अब इधर के मान में चेंजिंग आती है, अब देखिए इधर के मान में फोर ए स्क्वायर है तो इधर के मान में क्या होता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखते हैं दो से गुणा कर देते हैं तो ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो आपको इधर का तो याद ही है दोनों का सेम है, अब इधर का कैसे याद करें, तो इधर का देखिए इसका अगर यहां पर ए ही रख देते अगर बी ना रखते ए ही रखते तो ए स्क्वायर स्क्वायर क्या होता टू ए स्क्वायर होता, जब इसका गुणा करते तो ये भी फोर ए स्क्वायर हो जाता, तो वैसे दोनों तो सेम है बस आप देखिए कि इसमें इस जो था सम चतुर्भुज में सब भुजा बराबर होने की वजह से बी के स्थान पर ए ही रखा हुआ था, तो इसलिए अगर यहाँ पर ए रखेंगे बी के स्थान पर ए रखेंगे सम चतुर्भुज के लिए बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर और दो का गुणा इसमें हुआ है तो फोर ए स्क्वायर, तो ये इसके लिए था। तो आप दोनों का भी याद कर लीजिए कि इसके लिए ये होगा इसके लिए ये होगा, ये किसके लिए फार्मूला था समांतर चतुर्भुज के लिए, जो इससे पहले भी पढ़ाए थे समांतर चतुर्भुज। अगर इस पर भी अगर क्वेश्चन देखना तो इस पर भी एक भुजा का मान ये देगा दूसरी भुजा का मान ये देगा एक बिकर ऐसे दे देगा और फिर दूसरा बिकर पूछ देगा, पर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है इसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा पूछता था, कई बार कई एग्जामों में मैंने देखा हूँ ये क्वेश्चन बार बार इस फार्मूले पर आते हैं और लड़के नहीं लगा पाते हैं, सोचते हैं हम तो फार्मूला डी वन डी टू याद किए थे, हम तो फार्मूला में ये याद किए थे, हमारा तो यहाँ भुजा दिया है डी टू दिया ही नहीं है, तो फिर ये लेसन आपको जरूर याद करना है। अब हम आगे चलते हैं, अब कौन सा चतुर्भुज होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में देखिए क्या होता है इसमें दो ही भुजाएं बस समांतर होती हैं, ये भुजा हो गया और ये हो गया, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और ये दोनों भुजाएं देखिए समांतर नहीं है, ये दोनों भुजा समांतर नहीं है और इनके मान भी समान नहीं है और इसमें किसी की भी मान समान नहीं होते हैं, अगर इसको ए दिया है ये बी दिया है ये सी दिया है ये बी दिया है, अगर ये भुजा है तो इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो क्या होगा परिमाप को हम किससे दिखाते हैं ए से दिखाते हैं, तो चारों को जोड़ दीजिए ए बी सी डी, अगर क्षेत्रफल इसका निकालना क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं ए से दिखा रहे थे। अब देखिए इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसका क्या होता है एक बटे दो होता है फार्मूले में, फिर इन दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ जोड़ होता है, फिर यहां से एक हाइट दी रहती है, अगर ये हाइट दी रहती है h, इस हाइट का गुणा कर देते हैं तो ये इसका फार्मूला बन जाता है और यही इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसमें अगर क्षेत्रफल दिया रखा दे रखा है जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कहेगा कि दो समांतर भुजाएं जिनका वैल्यू ये है, जैसे एक भुजा अगर दे रखी है 9 दे रखी है दूसरी भुजा 11 दे रखी है, 11 तो नहीं होगा इससे छोटा होगा तो इसको 7 कर लेते हैं और इसकी ऊंचाई 8 है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं अगर ये फार्मूला याद है, और ये है कि मेंसुरेशन और या क्षेत्रमिति में हमें फार्मूले बेसिक क्वेश्चन आते हैं कोई कठिन नहीं आता है, सिर्फ फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, यही फार्मूला याद करना है तो आप फार्मूला याद रखेंगे ए बटे दो हो गया, ए का स्थान पर क्या मान दिया है 9 दे रखा है, बी के स्थान पर क्या दे रखा है 7 दे रखा है, हाइट क्या दे रखी है 8 दे रखा है, 1/2 9 7 16 और ये 8, अगर इसको काटेंगे 2 16 को तो यहां भी 8 आ गया, कितना हो गया 64। यूनिट क्या होगा अगर ये दे रखा है सेमी में तो क्या ये सब सेमी में दे रखे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का। अब एक लास्ट है वल्ली चतुर्भुज जब हो, अब किसी केस में भी चतुर्भुज में तो हमने देखा कि भुजाएं पैरेलल थी परंतु चतुर्भुज में कोई भुजा पैरेलल नहीं होगी और कोई भुजा बराबर नहीं होगी तो कैसा हो चतुर्भुज, आप ये हो गया
फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। देखिए ना, इसकी कोई भुजा समांतर नहीं, ये तिर्यक है और ये तिर्यक है, ये एंगल पर है, तो समांतर तो है ही नहीं। तो अगर इसमें दे देता है एक भुजा का मान इतना, दूसरे भुजा का मान बी हो गया, तीसरा भुजा का मान सी, अगर चौथे भुजा का डी रखते हैं तो परिमाप तो सेम हो जाएगा। बस इसका क्षेत्रफल निकालने का लास्ट फॉर्मूला देख लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले विकर्ण इसका दिया रहता है, विकर्ण भी एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब इस टाइप क्वेश्चन में नहीं तो इसका विकर्ण दिया रहता है, और यह भी दिया रहता है कि विकर्ण से लंबवत दूरी इसकी दे रखा है h1 है, ये दूरी h1 है और ये दूरी h2 दिया रहता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। ऐसे जब क्वेश्चन को देखेंगे डाटा को तो गिवन रहेगा, तो ये सब डाटा दिए रहेंगे, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें सबसे अच्छा ये देखिए कि क्या बना रहा है, एक ये दो त्रिभुज बना रहा है। जैसे ही आप विकर्ण डाले तो इधर एक त्रिभुज बनाया, इधर एक त्रिभुज बनाया। तो अब त्रिभुज का तो आप जानते होंगे क्या होता है, त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल निकालने का 1/2 होता है, फिर बेस होता है और आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब बस इसी को फॉलो करेंगे। देखिए एक का बेस ये है, अभी हम देख आपको यहां देखते हैं परिमाप तो आप निकाली लेंगे, ABCD यही होगा, और क्षेत्रफल के लिए जो है ए बटे दो। अब दो त्रिभुज बनाया है तो पहले इस वाले त्रिभुज का देखते हैं कितना क्षेत्रफल बनेगा। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार डी है और ऊंचाई कितनी है एच टू है। ये तो एक त्रिभुज का हो गया, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार क्या हो गया, इसके लिए भी आधार डी ही है और ऊंचाई क्या है एच टू है, अरे एच वन है, इधर की ऊंचाई एच वन है। अब देखिए इसको अगर कॉमन क्या लिया जा सकता है 1/2, और क्या कॉमन लिया जा सकता है, देखिए इसमें भी डी है इसमें भी डी है, तो डी को भी कॉमन ले लीजिए, फिर क्या बच रहा है एच वन प्लस एच टू। तो ये होता है चतुर्भुज का फार्मूला, किसी भी चतुर्भुज को निकालना है तो इसके लिए फार्मूला ये बनता है। और इसमें आप यही रहेगा कि एग्जाम्पल में क्या गिवन रहेगा, कोई हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका निकालते हैं, तो यही देगा कि एक अगर इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और उस विकर्ण पर उसकी लंबवत दूरी शीर्ष से लंबवत दूरी कितनी है, अगर ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 2, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें आप देखिए रख दीजिए 1/2, इसका कितना दिया है 10 दिया है, फिर एच वन प्लस एच टू, ये 4 दिया है ये 2 दिया है, तो ये 4 रखिए ये 2 रखिए, तो कितना हो गया 1/2 10, 4 × 2 6, इसको काट दीजिए 3 10 10 30। अगर जो भी यूनिट दिया है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है ये सेमी में दिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे कि आज हम लोग आज पढ़े आयत पढ़ लिए, आयत पढ़ लिए, वर्ग पढ़ लिए, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिए, सम चतुर्भुज पढ़ लिए, समलंब चतुर्भुज पढ़ लिए और चतुर्भुज पढ़ लिए। तो ये देखिए चतुर्भुज के जो था 4 भुजाओं से संबंधित आज हमने देखा। अब अगले वीडियो में और जो है 2D और 3D जो बताए थे आपको स्टार्टिंग में, उसको भी देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन के जो फार्मूले हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।